दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक ऐसे इंसान की बायोग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपनी कला से सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपनी मेहनत की वजह से नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ कमाया है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर आमिर खान के बारे में, क्योंकि आमिर खान सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और भी बहुत कुछ हैं। और हालांकि नाम तो बहुतों ने कमाया है, लेकिन आमिर खान की पर्सनैलिटी की बात कुछ और ही है, क्योंकि आप उनके लगान, थ्री इडियट, पीके और दंगल जैसे मूवी से उनके पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आमिर खान की इन सुपर हिट मूवी को कौन भूल सकता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत कुछ सीख भी ले जाती है। और इसीलिए आमिर खान को 9 फिल्म फेयर अवार्ड और 4 नेशनल अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों बॉलीवुड के काफ़ी इन्फ्लुएंस एक्टर आमिर खान के बारे में। दोस्तों, आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक परिवार में हुआ था, क्योंकि उनके पिता का नाम तासीर हुसैन था जो कि वो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और उनकी माँ का नाम जीनत हुसैन था जो कि वो हाउसवाइफ थी। और आमिर खान का पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। और आमिर ने अपनी प्राइमरी स्टडी जेबी पेटेट स्कूल से किया। और आमिर खान का जन्म भले ही एक फिल्म इंडस्ट्री के परिवार में हुआ था जिसमें कि कोई ना कोई एक्टर या तो डायरेक्टर था, लेकिन वो लोग अपने अपने फील्ड में कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। आमिर खान के लिए सिर्फ नाम का था कि वो फिल्म इंडस्ट्री के फैमिली में पैदा हुए हैं, और उनके पिता इतने कर्ज में डूबे हुए थे कि दिन भर में 15 से 20 लोग उनके पिता से पैसे मांगने आ जाते थे, और यहाँ तक कि उनके पिता को पैसे के लिए धमकियाँ भी सुननी पड़ती थी। इसी वजह से आमिर के पिता आमिर को बस कैसे ना कैसे करके स्कूल में पढ़वाया करते थे ताकि वो कम से कम 12 तक की बेसिक स्टडी कर लें, जिस वजह से आमिर के पिता कभी कभी आमिर के स्कूल की फीस पे नहीं कर पाते थे। और जब आमिर खान सिर्फ 8 साल के थे तो उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पे 2 फिल्मों में काम किया, जो कि एक का नाम यादों की बारात था जिसमें कि उन्होंने एक सॉन्ग में मेन रोल प्ले किया था जो कि वो सॉन्ग काफ़ी हिट भी हो गई थी, और दूसरे फिल्म का नाम मंदहोश था। और जब किसी को भी छोटे से उम्र में बड़े पर्दे पर रोल प्ले करने का मौका मिल जाए तो इससे और बड़ी बात क्या होगी। और इसीलिए आमिर खान को इन फिल्मों में काम करके काफ़ी मजा आया। और इसके बाद उन्होंने अपनी क्लास 9-10 को बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से कम्प्लीट किया, और पढ़ाई के दौरान ही आमिर को यह कंफर्म हो गया था कि उन्हें पढ़ाई में कोई मन नहीं है, क्योंकि उनसे पढ़ाई को छोड़ के कुछ भी बोल लो वो सब कर लेते थे। और जब आमिर 16 साल के हुए तो उन्होंने फिर से एक मूवी में काम किया जो कि वो एक 40 मिनट की साइलेंट मूवी थी जिसमें कि उन्होंने मेन रोल प्ले किया था, और उस मूवी का नाम पैरानोई था, जो कि मेरे हिसाब से ये मूवी शायद इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। और फिल्मों में काम करके आमिर को खूब मजा आता था, जिस वजह से उन्होंने अपने फ्यूचर कैरियर के लिए फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेने का डिसाइड किया। लेकिन उनके माँ बाप चाहते थे कि आमिर खान पढ़ लिखे डॉक्टर या तो इंजीनियर बन जाए, लेकिन आमिर ने अपने माँ बाप को कैसे ना कैसे करके मनवा लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस शुरू से काफ़ी अच्छा रहा है, और इसी के साथ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। और यहीं से होती है आमिर खान की फिल्म कैरियर की फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टिंग की शुरुआत, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई से 12 तक ही की थी, वो भी सिर्फ नाम के लिए। और उन्होंने उस टाइम बहुत सारे फिल्मों में भी काम किए जैसे कि होली, कयामत से कयामत तक, और 1989 में उन्होंने रोल प्ले किया था राख मूवी में, और उनकी एक्टिंग की वजह से उनको 1989 में ही नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 1996 में राजा हिंदुस्तानी फिल्म में उनकी एक्टिंग की वजह से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए भी चुना गया था। और 1999 में उन्होंने अपने नाम से प्रोडक्शन हाउस को भी खोला था जिसका नाम आमिर खान प्रोडक्शन था, और उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म लगान थी जिसके बारे में तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और उनकी लगान फिल्म की वजह से उन्हें एकेडमी अवार्ड ऑफ बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड, और यहाँ तक कि नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ बेस्ट पॉपुलर फिल्म का भी अवार्ड दिया गया था। और इसी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ की पहली डायरेक्टर का रोल 2007 में प्ले किया था, क्योंकि उस फिल्म का नाम था तारे जमीन पर, जिसमें कि आमिर खान ने डायरेक्टर और एक्टर का दोनों का रोल प्ले किया था, जिस वजह से उनको 2007 में बेस्ट डायरेक्टर के भी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और आप सभी आमिर खान के गजनी थ्री इडियट और पीके और दंगल जैसे मूवी को तो भली भांति जानते हैं, और आमिर खान की बात बाकी और एक्टर से ये अलग है कि उनकी मूवी इंटरटेनमेंट के साथ साथ देश को
और अपने को बहुत बड़ा सीख दे जाती है। इसलिए आमिर खान को 2003 में पद्मश्री अवार्ड के साथ और पद्म भूषण अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया था।